खाना में वही सांगरी की सब्जी और रोटी और छाछ और थोड़े से प्याज बना रहे हैं। तो दोस्तों फाइनली आप देख रहे हो हम आ गए एक हमारे गांव में पास में फार्म है, गोचर भूमि कह सकते हैं एक है, तो वहां आए हम जहाँ ये खीप है छपरा छपने के लिए गायों के लिए, तो ले जाने के लिए आए हैं क्योंकि बाद में ज़्यादा काम हो जाएगा। तो आज हम जस्ट अभी टाइम हो चुका है 7:47 हुई है और हम यहाँ आ गए। तो चलो चलते हैं, और यहाँ पे है तो बहुत कम लेकिन एक एक करके चुक चुक के, वो कहते हैं ना बूंद बूंद से घड़ा भरता है, तो वैसे एक एक खीप से देखते हैं ट्रॉली को भर पाते हैं या नहीं। चलो चलते हैं दोस्तों। दोस्तों ये रेगिस्तान की जहाज थार के मरुस्थल में, यार पहली बार रिकॉर्ड है, अब की बार ना कभी भी इतने गहरे किकर नहीं देखे, अब की बार कितने गहरे किकर है दे, है ना, हरे भरे अच्छे शानदार, बाकी सूखे हुए थे लेकिन अब की बार बहुत शानदार, बहुत अच्छे है यार किकर, कितने शानदार हैं, ऊपर से छतरी है जैसे लग रही है, सारे किकर देखो कितने शानदार व्यू आ रहे हैं यार। वो ट्रैक्टर आ रहा है वहां से, ये खींच पट रहे हैं, कड़ो पहला ये सब हुड़ करे करता, अब भी अल्टे में ट्रैक्टर कर ला गया, ये सब खी पे हमदा मोटा मोटा खेता में फोग और खी पर आप बूढ़िया है नहीं जगह, ये सब दे दे पगर ले तो है ना, कीन की करूड़ लागी मन ये सब। तो दोस्तों पहले ना अब गांव से देख रहे हैं उनको तो पता है, लेकिन जो शहर से देख रहे हैं कभी खेती नहीं की है उनको तो नहीं पता है। पहले इस प्रकार खेतों में जब हम खेत का विजान करते थे वीरानी खेत में, इस प्रकार होते थे फोग खीप, बहुत ज़्यादा मेरे ध्यान में भी थे। तो हम विजान करने से पहले एक महीना पहले निकालते थे पूरे के पूरे को ऐसे कसी लेके, और पूरे के पूरे को अभी देखो खोद रहे ना इसी प्रकार खोदते थे पूरे को, किस किस ने खोदा है ये, अब तो ट्रैक्टर चल गया, ट्रैक्टर के पीछे पाती आ गई उससे उखाड़ने लगे, पहले किस किस ने ये काम किया कॉमेंट में ज़रूर बताना मुझे। अब ट्रैक्टर आ गया, अब मैं भी लग जाता हूँ जल्दी से काम, फिक्स करते हैं, ज़्यादा धूप हो रखी है तो कर लेते हैं दोस्तों, करने से ही होगा। तो दोस्तों काफ़ी ज़्यादा पसीना आ गया और बुरी हालात हो गई यहाँ पे, इस जगह ना बहुत ज़्यादा बदबू आ रही है, बहुत ज़्यादा बदबू आ रही है, क्योंकि जो हमारे लंपी वायरस से वो गाय मरी थी तो वो इसी डेजर्ट में दफनाया गया था, जिस भी लाकर दफनाया गया था, लेकिन अब कोई एक दो और कोई अगर मर रही है तो वो घेर के जा रही है, कौन दफना रहा है तो वो भी है, बाकी कुत्तों द्वारा कुछ मिट्टी हटा ली गई, वैसे भी बदबू मार रही है, तो बहुत ज़्यादा बदबू आ रही है, बुरी हालत हो गई। तो अब ट्रॉली में काफ़ी खींफ है जो डाल दी है, देखते हैं कुछ और उधर चलेंगे, अगर वहाँ बदबू नहीं मारेगी तो वहीं खाने, यहाँ तो बहुत ज़्यादा बदबू आ रही है, बुरी हालत हो गई, तो मैं यहाँ आ गया, यहाँ पर बदबू नहीं आ रही है, कुछ देर बैठ गया, अब चलते हैं वहाँ, ट्रैक्टर वहाँ रह गया दूर, वहाँ चलते हैं पानी पुनी पीते हैं और फिर वहाँ और देखते हैं, उधर हो गए तो वहाँ से देखेंगे।
तो दोस्तों फाइनली 1 बज चुकी है, बहुत ज़्यादा भूख लगी और अभी खाना खा रहे हैं। तो पहले खाना खा लेते हैं, फिर देखो कहाँ चलते हैं, क्या काम होता है। चलो खाना खा लेते हैं। खाना में वही सांगरी की सब्जी और रोटी और छाछ और थोड़े से प्याज बना रहे हैं। तो दोस्तों यार बहुत बड़ा पोपट हो गया यार, क्या है। अभी आए थे 1 बजे खाना खाया, अब 1:30 बजे है, कह रहे खेत में जा रहे हैं सफरा करने के लिए। अंकल ने फोन कर दिया यार, परेशान हो गए, क्या करें यार, जमींदार कठिन होता है यार। चलो जाना ही पड़ेगा, तो अब जा रहे हैं यार सफरा निकालने के लिए। देख भाई ऑफिस में नहीं बैठना था, एक चश्मा चुश्मा लगा के हीरो बन के बैठा है, वहाँ जाना है सफरा करने के लिए। बहुत ज़्यादा धूप हो रखी है, चलो जाना ही होगा, काम है वो तो करना ही होगा, क्योंकि फिर 2-3 दिनों के बाद में खेत में और भी ज़्यादा काम है। तो पहले ये फिनिक्स करना होगा, सफरे वाला मोटू में 10 बीघा मोटू में निकाल के आनी है, फिर ग्वार में सफरा निकालनी है कल तक। तो चलते हैं, चल भाई। चल रख चल रख, तता तता तता। क्या बात है महादेव लेरी, बढ़िया बढ़िया, घूम जा, ज्यादा दूर ना जा, उन्हेरा कुछ तो थोड़ा थोड़ा उन्हेरा। तो दोस्तों फाइनली सीन कुछ ऐसा है कि अभी 5 बज चुकी है और सारा काम आज तो पूरे दिन लगे रहे, सारा काम हो गया, और जो हम दिन में खेप लाने के गए थे वो हमने यहाँ पे अच्छी तरह से जमा दिए हैं। और अब चलते हैं, पास में खेत है वहाँ देखने के लिए, और गाय के लिए वहाँ घास भी है तो वो लाने के लिए जा रहे हैं। आज तो पूरे दिन लगा रहा, पूरे दिन बस व्यस्त ही रहा था, पूरे दिन बहुत ज़्यादा धूप थी, लेकिन परेशान भी हुए थे, सर में दर्द भी हो रहा है, क्योंकि हम जब ना स्प्रे करने के लिए जाते हैं ना, ये रोगगर जहर होता है ना, ये इस जहर से इतना प्रभाव पड़ता है कि सर में दर्द होने लग गया मेरे। तो मैं जल्दी आपको एक अच्छे अच्छे स्थानों पर, ऐतिहासिक स्थानों पर लेकर जाने वाला हूँ, तो आप मेरे चैनल पर रेगुलर बने रहें, और आगे आने वाला जो वीडियो होगा बहुत ही बेहतर होगा, बेस्ट होगा। और बड़ी खुशी की बात है कि अभी अभी हमारे चैनल मोनेटाइज के लिए अप्लाई हुआ है, तो उसके लिए एक अलग से वीडियो होगा, नेक्स्ट वीडियो होगा, तो आप पूरा देखिएगा। और सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें दोस्तों, आपका प्यार और सपोर्ट मेरे लिए सब कुछ है। हम बहुत ऊंचाइयों तक जाएंगे और बहुत अच्छे अच्छे वीडियो आपको देखने के लिए मिलेगी। तो आज तो क्या बनाया है, आज का तो क्या वीडियो है, आने वाले वीडियो बहुत अच्छे होंगे, क्योंकि जैसे जैसे कदम हमारे जाएंगे, जैसे जैसे अच्छी जगह पे हम जाएंगे, अच्छे अच्छे वीडियो बनाएंगे। तो बस आप देखते रहो, सपोर्ट अपना देते रहो। तो आज के वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।